हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सर आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस वाडिका में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। तो आज का हमारा जो ये पॉइंट है ये है भाग टू जिसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया, यानी कि हमारे देश के संविधान में बहुत मतलब कि 22 भाग हैं और उन 22 भागों में से भाग दो जो है वो भारतीय संविधान की नागरिकता का उल्लेख करता है और उसका विस्तार जो है हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया और आप लोग 5 से लेकर 11 तक इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि 5, 6, 7, 8 और हमें अपने देश की नागरिकता को कैसे मिली है और हम अपने देश की नागरिकता को कैसे समाप्त कर सकते हैं। हम तो अपने देश में जन्मे हुए हैं जिसे हमें अपने जो है देश की नागरिकता अपने से मिल जाती है, उसके पीछे भी कुछ अधिनियम बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद अगर हम जन्मे नहीं हुए हैं और अपने देश की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आप लोग उस चीज़ को जरूर देखेंगे कि क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो ये भारत की नागरिकता का जो उल्लेख है वो भाग दो में है और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भारत की नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है। तो नोट करिएगा कि भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि हमारा देश जो है एक राज्यों का संघ है, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं। अगर हम किसी राज्य में पैदा होते हैं कि अगर हम किसी राज्य में डाउनलोड हुए हैं यानी कि पैदा हुए हैं, अगर बिहार राज्य में पैदा हुए हैं तो हम बिहार के वासी नहीं होकर हम लोग भारत के ही वासी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमें बिहार की भी नागरिकता दी जाती है और भारत की नागरिकता, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक भारतवासी हैं। और इसलिए कहा गया है कि हमारे देश की जो नागरिकता है वो क्या है, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। और इस एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया, तो ये देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड नामक देश से जो है हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया, ठीक है। जैसे बहुत सारे जैसे अमेरिका एक क्या है, अमेरिका के नाम सुने होंगे और ये यहाँ पर जो है दोहरी नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। यहाँ पर अगर इसकी राज्य जो है कैलिफोर्निया है, अगर कैलिफोर्निया में कोई व्यक्ति जन्मा हुआ है तो उन्हें जो है कैलिफोर्निया की भी नागरिकता दी जाती है और यूएसए की भी नागरिकता, यानी कि दो जगहों की नागरिकता दी जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारा जो भारत है और सिर्फ एक यहाँ का जो है नागरिकता प्रदान करता है, इसलिए क्या है, एकल नागरिकता प्रदान देश है। और ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। अब हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक अनुच्छेद को देखते हैं कि अनुच्छेद 5, 6, 7 क्या बोलता है। तो नोट करिएगा और ध्यान से देखिएगा और वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पता चलेगा कि हमें अपने देश की नागरिकता को कैसे खोया जा सकता है या फिर हमें भारत की नागरिकता को कैसे ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950, उस समय जो नियम बनाए, उस समय के तक जो व्यक्ति जो हमारे देश में थे उन्हें जो स्वतः भारत की नागरिकता मिली, तो हम बोल सकते हैं कि संविधान प्रारंभ होने से जो नागरिकता है उसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 5 में किया गया। तो नोट कर लीजिएगा, संविधान प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है 5 में। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति जब हमारे देश का बंटवारा होता है 14 अगस्त 1947 को, एक पाकिस्तान मुल्क बनाया जाता है और भारत में एक मुल्क बनाया जाता है, तो जो व्यक्ति जो है पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, लेकिन उसमें भी लिमिट है 19 जुलाई 1948 तक अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो उससे संबंधित कुछ नागरिकता दिया जाएगा, तो और उसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 6 में। तो इसको नोट करिएगा कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन का मतलब होता है कि वहां से आने वाले प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता
लोगों की नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता वाली जो बात की गई है वो अनुच्छेद 6 में की गई है। अब लोग बात करते हैं अब अनुच्छेद 7 में, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर देश हमारा जब बंटवारा होता है और कोई व्यक्ति जो है भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से पुनः भारत आना चाहता है, लेकिन उसकी भी सीमा क्या है, 19 जुलाई 1948 तक ही, इसके बाद की नहीं, इसके बाद के लिए आपको बहुत ज्यादा पापड़ मिलने पड़ेंगे। तो 1948 तक ही अगर कोई व्यक्ति फिर से भारत में आना चाहता है तो वैसे व्यक्ति को भी जो है भारत की नागरिकता में कुछ मतलब कि नियम नागरिकता मिल सकती है। तो उसका उल्लेख जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 7 में किया गया। तो नोट करिएगा कि भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 7 में किया गया। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 8 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है, अगर कोई भारत का व्यक्ति है और वो विदेश में रहता है, तो उसे हम लोग भारतीय मूल के वासी कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भारतीय मूल के निवासी बोलते हैं। तो उनकी भी कुछ नागरिकताएं की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कुछ कानून होती हैं और उनका उल्लेख जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में किया गया। तो एक शब्द में लिख सकते हैं कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लिए नागरिकता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, तो 8 में। तो नोट करिएगा, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के निवासियों की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 8 में। इसको नोट करिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिएगा। और हाँ, सारे अनुच्छेद होने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमें अपने देश की नागरिकता को कैसे मिलता है, इसके लिए जो अधिनियम बनाए गए थे वो कौन कौन से अधिनियम थे और उस अधिनियम को हम लोग कैसे जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इस चीज को खो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, आप लोग देखते रहे। फिर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 9 के, ठीक है, हम लोग अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर विदेश की कोई भी किसी भी अन्य देश की जो है नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 9 में किया गया। तो नोट करिएगा कि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने से भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 9 में किया गया। इस चीज को नोट करिएगा कि अगर कोई दूसरे देश में हम जाते हैं और वहां की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या होती है, ये समाप्त हो जाती है। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 9 में किया गया। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 10 क्या कहता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में देखते रहिएगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकों के अधिकारों का जो है कुछ कानून बनाया गया है, नागरिकों के अधिकारों की बात जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 10। तो लिख लीजिएगा, नागरिकों के अधिकार कुछ दिए गए हैं और उन अधिकारों की बात जो की गई है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 10 में। और एक लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, इसमें हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है। अनुच्छेद 11 यह कहता है कि अगर कोई नागरिक, अगर भारत की नागरिक है, उनके लिए अगर कोई भी नियम कानून बनाए गए हैं तो संसद जो है क्या कर सकता है, उसमें चेंजिंग ला सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में किया गया। तो एक लाइन में लिखिएगा और एक शब्द में लिखिएगा कि संसद के द्वारा नागरिकों के अधिकार एवं विधि को विनिमय
या संशोधन कर सकता। संसद के द्वारा नागरिकों के अधिकारों एवं विधि में विनिमय या संशोधन कर सकता है, और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में किया गया है, तो इस चीज को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो भारत की नागरिकता है इससे संबंधित जो है, भारत की नागरिकता है इससे संबंधित बहुत सारे दो तीन अधिनियम बनाए गए थे, और एक सबसे पहले जो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया था, और 1955 वाले नागरिकता अधिनियम को 1986 में संशोधित किया गया, फिर 1992 में संशोधित किया गया। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि 1955 में और 1986 और 1992 में क्या क्या बातें की गई है, और उसमें क्या क्या बताया गया था कि अपने देश की नागरिकता को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, या फिर अपने अगर भारत की नागरिकता अगर हम कहीं विदेश के हैं और भारत की नागरिकता को पाना चाहते हैं तो कैसे पा सकते हैं, तो इस चीज की बात हम लोग को देखते हैं और उसमें बताया गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपने देश की यानी कि भारत देश की नागरिकता को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, तो ठीक है इसको देखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान की नागरिकता को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, तो ये जो है टॉपिक है नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तथ्य कौन कौन से है। तो नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तथ्यों में सबसे पहले एक संशोधन किया, एक अधिनियम बनाया गया था जिसको हम लोग नागरिकता अधिनियम के रूप से जानते हैं। तो ये जो नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था सबसे पहले, तो ये जो 1955 में बनाया गया था, और इसमें बताया गया था कि कौन कौन से जो है प्रक्रिया के द्वारा हम देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। तो इनके प्रक्रियाओं की संख्या जो है 5 है। इनकी प्रक्रियाओं की संख्या कितनी है, तो 5 है। इसको हम लोग देखते हैं, एक ही करके देखते हैं। पहला जो है जन्म से, पहला जो है क्या है जन्म से। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश के संविधान जब लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर और आज तक कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो स्वतः क्या होता है, भारत का नागरिक होता है। स्वतः क्या होता है, वो भारत का नागरिक होता है। तो इसका उल्लेख जो है किस में किया गया यानी कि किस अधिनियम में बनाया गया था, 1955 में, लेकिन इसमें संशोधन कुछ किया गया, तो संशोधन को हम बाद में बताते हैं, अभी देखते हैं। ये जन्म से, और ये कब से जन्म से, तो 26 जनवरी 1950 से अभी तक जन्म लेने वाले व्यक्ति वो कहाँ के नागरिक होंगे, तो भारत के ही नागरिक होंगे। अब दूसरे जो है बात करते हैं, ये वंश के द्वारा भी हम भारत के नागरिक होंगे। अगर हम कहीं विदेश में जाते हैं और भारत के वासी हैं, अगर कोई भारत मानी कोई भारत का वासी है और विदेश में जाता है और वहाँ पर उसका बच्चा जन्म ले लेता है, तो वहाँ का निवासी नहीं होगा, वो क्या होगा, भारत का ही निवासी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वंश से अगर जो है कोई व्यक्ति, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी तक जिस जो कोई व्यक्ति का बच्चा जो है बाहर विदेश में पैदा हो जाता है, तो भी क्या होगा, वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन माता या पिता, पहले पिता का आया था लेकिन माता का बाद में बनाया गया, उसके बारे में बताएंगे अभी। तो पिता जो है कहाँ का निवासी होना चाहिए, तो भारत का ही निवासी होना चाहिए। तीसरा बात था देशीकरण। तीसरा क्या था, देशीकरण के अनुसार जो है किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। देशीकरण का मतलब कोई दूसरे देश का आदमी है और भारत में रहता है और 5 सालों तक की अवधि को पूरा कर लिया, तो उसे जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये पहले अवधि थी, ये क्या थी, 5 वर्ष तक रहने के बाद जो है भारत की नागरिकता को उन्होंने प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद चौथा में बात करते हैं, देशीकरण के बाद पंजीकरण। अगर कोई व्यक्ति जो है भारत में रहता है और 6 महीना से वो रह रहा है, पिछले 6 महीना से रह रहा है, तो अगर वो अपना पंजीकरण करा सकता है, राष्ट्रपति के पास अपने संदेश को लिखता है, अपने पत्र को लिखता है और भारत की नागरिकता को प्राप्त करने की आग्रह करता है, तो ये पंजीकरण के द्वारा भी, लेकिन कितने माह पहले, तो 6 माह तक रहने के बाद जो है वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पास जो है अपने पत्र, अपने लेटर को भेजता है और उस आवेदन को भरता है और उसके द्वारा जो है पंजीकरण करा लेता है कि वो भारत का वासी होगा। तो इस चीज को हम लोग याद करते हैं पंजीकरण। उसके बाद जो पांचवा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं भूमि विस्तार के द्वारा। ये भूमि विस्तार में क्या बताया गया, भूमि विस्तार में ये बताया गया है कि अगर किसी भी, मान लीजिए कि नेपाल देश है और नेपाल पूरी तरह से चाहता है कि हम भारत में चले जाए, तो अगर वो भारत में जाना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि वहां के निवासी और वहां के जो लोग हैं वो कहीं और चले जाएंगे और वहीं पे छोड़ देंगे, वो सभी लोगों के
लेकर आएगा तो स्वतः जो है उनको क्या होती है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये पांच प्रक्रिया, ये पांच नियम जो बनाए गए थे जिसके तहत 1955 में बनाए गए थे, जिसके तहत जो है भारत की नागरिकता को दिया गया। लेकिन लेकिन 1955 के ही संशोधन, 1955 वाले के बाद भी 1986 में कुछ संशोधन किए गए। 1955 के अधिनियम जो बनाए गए थे उनको 1986 में संशोधन किए गए और संशोधन करके उसमें बताया था। उसको हम लोग देखते हैं क्या बताया गया था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 1955 का जो अधिनियम नियम बनाया गया था उसके में कुछ संशोधन किया गया था। कब किया गया? 1986 में किया गया, और उसके तहत बताया गया कि उसमें भी कुछ अलग अलग, यानी कुछ बातों को भूल गए थे लोग, तो उन बातों को भी हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, पहला जो बताया गया था वो जन्म से, अगर कोई व्यक्ति है, अगर हम भारत के हैं और हमारी वाइफ, अभी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन हमारी अगर वाइफ के साथ अगर हम विदेश जाते हैं और वहाँ पर बच्चा डाउनलोड हो जाता है, यानी वहाँ पर बच्चा पैदा हो जाता है, तो हम नेपाल की वासी, तो नेपाल की नागरिकता नहीं ग्रहण करेगा, वो भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा। लेकिन अगर कोई विदेश की वासी है, अगर विदेशी है और वो भारत में रहते हैं और भारत में उनका बच्चा डाउनलोड हो जाता है, यानी कि पैदा हो जाता है, तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उसके माता या पिता दोनों में से कोई जो है भारत की नागरिक नहीं है, इसलिए उसको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। तो इस चीज को भूल गया गया था। तो 1955 के अधिनियम में यह बताया गया, 1955 के अधिनियम में बताया गया था कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी तक जो भारत में पैदा होता है वो भारत की नागरिकता ग्रहण करता है। लेकिन 1986 में संशोधन करके ये बताया गया कि राजवीरों तथा विदेशियों के बच्चों को छोड़कर, राजवीरों तथा विदेशियों के बच्चों को छोड़कर ही उन लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी जिसमें जिसके माता या पिता भारत के नागरिक होंगे। उसके बाद क्या गया, दूसरा जो संशोधन किया गया था वो देशीकरण में किया गया। क्या किया गया? देशीकरण में किया गया। और इसमें 1955 में बताया गया था कि अगर व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में रह रहा है तो उससे जो है भारत की नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं है, 5 वर्ष को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, जो पहले व्यक्ति जो 5 वर्ष तक भारत में रहता था उसे भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाती थी, लेकिन अब वो जो 5 वर्ष के बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 10 वर्ष कर दिया गया। यानी कि वो व्यक्ति अगर 10 वर्ष तक भारत में रहा है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा संशोधन किया गया वो था पंजीकरण में भी संशोधन किया गया, और उसमें यह बताया गया कि कोई व्यक्ति पहले छः माह तक ही भारत में रहता था अगर वो आवेदन देते के जो है अपनी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता था, लेकिन अब 1986 में एक नया संशोधन किया गया और उसमें बताया गया 1986 में एक संशोधन किया गया और उसमें बताया गया कि 6 माह से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 6 माह से 5 वर्ष कर दिया गया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 5 वर्ष तक भारत में रहता है तो अगर वो आवेदन करेगा तो ही उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। और इसका उल्लेख जो है हमारे संविधान के एक अधिनियम बनाया गया, और वो अधिनियम 1986 के भारत जो है सरकार नागरिकता अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। तो देखिए, याद करिएगा, देशीकरण यानी कि देश 10 वर्ष, देशीकरण कितना वर्ष, 10 वर्ष, और यहां देखिए पंजीकरण है और कितना वर्ष, ये 5 वर्ष, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो है संशोधन अधिनियम बनाया गया। अब हम लोग एक बात करते हैं, जो 1986 का जो अधिनियम संशोधन बनाया गया, लेकिन 1992 में एक और अधिनियम संशोधन किया गया, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। 1992 वाले को देखते हैं, ठीक है। 1992 वाले को देखते हैं हम लोग, 1992 के संशोधन अधिनियम को देखते हैं। 1955 में एक नागरिकता अधिनियम बनाया गया था, उसमें संशोधन किया गया 1986 में, और उसको हम लोग ने देख लिया था। अब लोग बात करते हैं 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में। इसमें बस एक ही बात को बताया गया था, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाता है, अगर उसके पिता अगर भारत के वासी हैं तो ही उस बच्चे को जो है भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन 1992 में एक बताया गया कि अगर माता भी भारत की निवासी होगी तो
उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जो है विदेश का है और भारत भी आया है और भारत में उसकी माता भारत की है और वो जो बंदा है वो विदेश का है, तो भी अगर बच्चा जो पैदा होता है वो भारत का ही वासी होगा। जैसे सानिया मिर्जा का अगर लड़का लड़की होता है तो भारत के ही वासी कहलाते हैं। तो इस चीज की बात जो है सन 1992 में किया गया था। तो नोट कर लीजिएगा कि माता का भी होना, माता का भी होना अनिवार्य हो गया, अनिवार्य माता का भी होना जो है अनिवार्य हो गया था सन 1992 के अधिनियम के द्वारा, सन 1992 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस चीज को देखा है कि हम भारत की नागरिकता को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि भारत की नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो नोट करिएगा, और एक टॉपिक होगा कि भारत की नागरिकता को समाप्त किया जाना, समाप्त करने की विधि, नागरिकता समाप्त करने की विधि, जो विधि है वो जो है अगर हम स्वतः यानी कि अगर हम अपनी इच्छा से चाहेंगे तो भारत की नागरिकता को जो है त्याग कर सकते हैं। तो पहला जो है अपनी इच्छा से। दूसरा जो है अगर हम किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो अपने देश की नागरिकता स्वतः क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो दूसरे को लिखिएगा, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने से अपने देश ग्रहण करने से भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और तीसरा है याद, इसको नोट करिएगा। और तीसरा जो नियम है, अगर हम भारत देश में रहते हैं और भारत की ही बुराई करते हैं और भारत अगर हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है, अगर देशद्रोह की अगर मुकदमा लग जाती है उस समय जो है सरकार के द्वारा नागरिकता को छीन ली जाती है, जिससे हम लोग जो है अपनी नागरिकता को, भारत देश की नागरिकता क्या करते हैं, खो देते हैं। और इसका भी नियम इसी में रखा गया है। तो नोट कर लीजिएगा, सरकार द्वारा छीन कर सरकार द्वारा छीना, कब छीना जाता है, जब हम अपने देश में अगर हम भारत देश में रहते हैं और भारत की बुराई करते हैं, भारत के लिए कुछ विपक्ष में इसकी बात बोलते हैं, तो उस समय जो भारत की हमें देशद्रोह की मुकदमा लग जाती है और उस समय जो है सरकार के द्वारा भारत की नागरिकता को क्या की जाती है, छीन ली जाती है। और इस प्रकार अपनी नागरिकता को हम समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा, और सारा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम, जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसआई या फिर पीसीएस एग्जाम, स्टेट पीसीएस, आप सभी एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग इससे ज्यादा ज्यादा करिएगा, प्रयास करिएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन बनेंगे। और आप सभी का अभी तक एक बार फिर से मैं जीएस वाडिका में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।